बच्चों से पहले शांत हो जाओ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस कड़ी में आज हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि विद्युत धारा जो है जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, पानी में करंट प्रवाहित होता है। तो इस प्रयोग को अभी हम लोग करने वाले हैं। आप सभी इधर देखिए, हम लोग बैटरी के साथ में इस तरह से इधर रौनक आप लोग देख सकते हैं। इधर हम लोग बल्ब को बैटरी से इस तरह से जोड़ दिए हैं। तो अदनान इसको चलाओ तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली जब इसको हम लोग चला रहे हैं डायरेक्ट तो ये जल रहा है। अब हम लोग प्रयोग यह करेंगे कि ये देखेंगे कि सादा जल में हमारा करंट फ्लो होता है कि नहीं। तो हम लोग इसको डालेंगे, देखिए आप देख सकते हैं दोनों सिरा को नहीं सटाना है, पानी में दूर दूर रखना है। तो आप इधर देख सकते हैं कि जब हम लोग दोनों सिराओं को माइनस प्लस को पानी में जल में दूरी स्थान पे रखे फिर भी हमारा बल्ब जल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंफर्म हो गया कि जल में धारा प्रवाहित होता है। शाबाश, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि नींबू जल में करंट प्रवाहित होता है कि नहीं, इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो क्या सब्सक्राइब।